भारत की भूमि संतों की भूमि है। इस भूमि में एक से बढ़कर एक संत उतार लिए। आज के इस वीडियो में हम जिनकी चर्चा करने वाले हैं, उनका नाम देवराहा बाबा था। लोगों का मानना है कि बाबा को सब पता रहता था कि कब कौन कहां उनके बारे में चर्चा हुई। वह अवतारी व्यक्ति थे। उनका जीवन बहुत सरल और सौम्य था। वह फोटो कैमरे और टीवी जैसी चीज़ों को देख अचंभित रह जाते थे। वह उनसे अपनी फ़ोटो लेने के लिए कहते थे, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उनका फ़ोटो नहीं बनता था। वह नहीं चाहते तो रिवाल्वर से गोली नहीं चलती थी। उनका निर्जीव वस्तुओं पर नियंत्रण था। आज के इस वीडियो में ऐसी ही एक घटना का हम जिक्र करने वाले हैं, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सारण जिले के गुठनी थाने के इंचार्ज थे श्री सत्यनारायण सिंह। वे पिछले कई वर्षों से अपनी लड़की के विवाह के लिए परेशान थे। प्रत्येक रिश्ते में बाधा आ जाती थी। यह सन 1956 की घटना है। उनकी पत्नी ने एक दिन सुझाव दिया कि किसी संत से आशीर्वाद लिया जाए, शायद किसी ग्रह दोष के कारण विवाह नहीं हो पा रहा है। लड़की मंगली रहती तो एक बात थी, यह दोष भी नहीं है। सिंह जी देवराहा बाबा का नाम सुन चुके थे। अन्य किसी संत के बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी। देवराहा बाबा पड़ोस में थे। पत्नी की बात जम गई। उन्होंने सोचा इसी बहाने बाबा की योग विभूति का अंदाजा लग जाएगा। गुठनी से लार रोड केवल 14 मील दूर है। एक दिन वे सपत्नीक देवराहा बाबा के आश्रम की ओर रवाना हो गए। जाड़े का मौसम था। आश्रम तक पहुंचने में 12 बज गए। आश्रम के सामने काफ़ी भीड़ थी। यहाँ पुलिसिया रोब नहीं चलेगा, इसे वे समझ गए थे। भीड़ के पीछे वे बैठ गए। बाबा एक एक कर लोगों को बुलाते, उनकी समस्या सुनते और प्रसाद देकर निराकरण करते रहे। सत्यनारायण सिंह के बाद आए लोगों की पुकार हुई और वे लोग चले गए, पर अभी तक इनकी पुकार नहीं हुई। यह देखकर वे मन ही मन क्षुब्ध होते रहे। इस दरबार में उनके क्रोध का कोई मूल्य नहीं है, इसका अनुभव उन्हें प्रतिक्षण हो रहा था। धीरे धीरे दिन ढलता गया। उन्हें इस बात की चिंता सताने लगी कि अभी यहाँ से वापस जाना है। पश्चिमी बिहार का क्षेत्र कैसा है, उन्हें इसकी जानकारी थी। साथ में पत्नी तथा बेटी भी है। इधर के डाकू सामान्य बात पर हत्या करने से नहीं चूकते। केवल संतोष इस बात का था कि साथ में पिस्तौल है और काफ़ी कारतूस भी। अनेक लोगों के जाने के बाद सत्यनारायण सिंह की पुकार हुई। एक तो ठाकुर, दूसरे दरोगा क्रोध से अपना पिस्तौल रगड़ने लगे। बाबा के पास जाते ही वे चौंक उठे। बाबा कह रहे थे, तू अपनी लड़की के विवाह के लिए आशीर्वाद मांगने आया है। मेरा आशीर्वाद है, तेरी लड़की का विवाह जल्द होगा। तू जहाँ चाहता है वहीं होगा। बाबा की बातें सुनकर सत्यनारायण सिंह ही नहीं बल्कि उनकी पत्नी भी चौंक उठी। अभी तक हमने अपने आने का उद्देश्य नहीं बताया, फिर बाबा को कैसे जानकारी हो गई। बाबा की बातें सुनकर दरोगा का क्रोध पानी पानी हो गया। पति पत्नी और बेटी ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। सत्यनारायण सिंह कोई सवाल करते उसके पहले ही बाबा ने कहा, क्यों बेटा, तेरा पिस्तौल असली है या नकली? सत्यनारायण सिंह ने आत्मविश्वास के साथ कहा, मेरा पिस्तौल असली है, हम नकली पिस्तौल क्यों रखेंगे? बाबा ने कहा, तब तो तेरे पास गोलियां भी होगी। जी हाँ, बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, जरा पिस्तौल चला कर दिखा, देखूं कैसी आवाज होती है। बाबा के मनोरंजन के लिए दरोगा ने हवा में पिस्तौल दागी। एक दो बार नहीं, कई बार ट्रिगर दबाने पर भी पिस्तौल से गोली नहीं चली। शर्म से उनका चेहरा लाल हो उठा। जीवन में ऐसी घटना कभी नहीं हुई थी। कई बार पिस्तौल को उलट पुलट कर देखने के बाद उन्हें कोई खराबी नजर नहीं आई। बाबा ने हंसकर कहा, इसी पिस्तौल के भरोसे तू यहाँ चला आया, यह इलाका कैसा है इसे तू अच्छी तरह जानता है, ऐसी पिस्तौल से कैसे मुकाबला करेगा? सत्यनारायण सिंह पसीने पसीने हो गए। सहसा उनके मन में विचार उत्पन्न हुआ कि कहीं बाबा ने कोई जादू तो नहीं कर दिया। यह बात मन में आते ही वे व्याकुल भाव से बोले, महाराज मेरी रक्षा कीजिए, आपकी लीला को मैं समझ गया, दया करिए वरना मैं बेमौत मर जाऊंगा। सत्यनारायण सिंह की परेशानी देखकर बाबा ने हंसते हुए कहा, आदमी को अपनी शक्ति पर अभिमान नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, पिस्तौल चला, सब ठीक है। देवराहा बाबा से आशीर्वाद पाने के पश्चात दरोगा ने पिस्तौल का ट्रिगर दबाया और तेज आवाज के साथ गोली दग गई। यह दृश्य देखकर उपस्थित सभी लोग दंग रह गए।
देवराहा बाबा की अलौकिक शक्ति ने कमाल कर दिया। प्रसन्न मन से दरोगा साहब सपत्नीक चलने से पहले बाबा को अंतिम प्रणाम करते हुए बोले, आपकी कृपा बनी रहे। दरोगा साहब जहाँ चाहते थे वहीं उनकी पुत्री का विवाह हो गया। अपने प्रवचनों में देवराहा बाबा नवयुवकों तथा नवयुवतियों से कहा करते थे, माता को जानकी और पिता को राम के रूप में समझना चाहिए। जन्म देने वाले माता पिता ही देवता है, इनकी सेवा से देव सेवा होती है। तुम लोगों को आमिष भोजन करना चाहिए, इससे सात्विक प्रवृत्ति मन में जन्म लेती है। तामसिक भोजन सभी रोगों का मूल है, इससे बचना चाहिए।